सब्सक्राइब कीजिए रोम्बस रोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, दिस इज़ रोहित फ्रॉम रोम्बस रोहित चैनल। सो गाइज, आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये सारा स्टॉक दिखाने वाला हूँ एंड इसमें बेंटले एक स्पेशल गाड़ी है आज के ब्लॉग की। सो गाइज, आज मैं आया हूँ अमर मोटर्स पे एंड आज हमारे साथ है अमरीश भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बस बढ़िया भैया। सो भैया, बताइए फिर आज के ब्लॉग में कलेक्शन का। आज के ब्लॉग में आपको मैं लग्जरी सेडान्स, ओके, एसयूवीज हो गई, एसयूवी हो गई, हाई एंड कार सारी दिखाने वाला हूँ। सारी हाई एंड कार्स दिखाएंगे एंड मतलब जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह भी सब है। फॉर्च्यूनर वगैरह सब अवेलेबल है। सो भैया, फिर फाइनेंस का कुछ बताइए। 12-13 मॉडल से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी फाइनेंस हो जाएगी। ओके, हाँ जी। सो 12-13 मॉडल के ऊपर की सारी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाएगी एंड भैया, अगर बात करी जाए मतलब कितने परसेंट तक फाइनेंस हो जाता है आपकी? वो तो कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, बाकी अगर प्रोफाइल अच्छी है तो 80-90% तक हो जाती है फाइनेंस। अगर प्रोफाइल अच्छी है तो 80-90% फाइनेंस हो जाएगी एंड भैया, शोरूम 7 डेज ओपन? 7 डेज ओपन होता है हमारा। ओके एंड गाइज, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये इधर आईडी आ रही होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट जो व्लॉग आने होते हैं उसके सारे अपडेट मिल जाते हैं। सो भैया, फिर व्लॉग को स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करिए। सो भैया, मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में ही दे देंगे, ब्लॉग में दे देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया फॉर्च्यूनर से करें, फॉर्च्यूनर उस साइड से करते हैं। सो चलिए गाइस। सो गाइस, फर्स्ट कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट शेप टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो भैया, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। 2010 मॉडल है। ओके, 7वें महीने की है, फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। ओके, 4x4 मैनुअल है। ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। हाँ जी। एंड भैया, डीजल में? डीजल है। ओके, सो अगर फीचर्स की बात कर जाए, इसमें लेदर सीट कवर्स मिले? लेदर सीट्स है एंड बाकी तो सारा कंपनी फिटेड है। सारा कंपनी फिटेड है, लेदर सीट आफ्टर मार्केट है। ओके, आफ्टर मार्केट है। ओके एंड भैया, मॉडल बताया आपने? 2010। ओके, 2010 मॉडल है एंड चली कितनी है? चलिए 110,000 किलोमीटर। ओके, ये चलिए 110,000 किलोमीटर एंड भैया, प्राइस? प्राइस है, आस्किंग है 7,25,000। ओके, सो गाइस, इस फॉर्च्यूनर की डिमांड है 7,25,000 एंड भैया, नेगोशिएबल है ना? हाँ, नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत, मतलब स्लाइटली नेगोशिएबल है। हाँ जी। ओके, सो गाइस, पहले हमने आपको फर्स्ट शेप दिखाई थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लेटेस्ट शेप। लेटेस्ट शेप। ओके, सो भैया कुछ बताइए। 2017 मॉडल है। ओके, फर्स्ट ओनर है, 70,000 डिविजन है, उड़ीसा नंबर है। ओके, आफ्टर मार्केट एलॉय लगे हुए हैं, बाकी जो फॉर्च्यूनर के फीचर्स है वो सारे हैं। हाँ जी। एंड भैया, ये उड़ीसा नंबर है? हाँ जी। एंड ये वाली फॉर्च्यूनर? दिल्ली नंबर। ओके, ये वाली दिल्ली नंबर एंड ये वाली है उड़ीसा नंबर। एंड फीचर्स तो मतलब वही नॉर्मल जो फॉर्च्यूनर के आते हैं, हमारे भाइयों को पता ही होगा। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा तो इसमें एक ये लगे हुए हैं अलॉय व्हील्स, और तो कुछ नहीं लगा ना? नहीं, नहीं, और बाकी सब स्टॉक है। ओके, सो मॉडल 2017 एंड चली कितनी है भैया? 70,000। ओके, 70,000 चली है एंड सिंगल ओनर है? फर्स्ट ओनर है। ओके, फर्स्ट ओनर है एंड डीजल है? डीजल वेरिएंट है। ओके एंड भैया, इसकी डिमांड की बात करी जाए? 4x2 ऑटो है। ओके, 4x2 ऑटोमेटिक है एंड भैया, डिमांड की बात करी जाए? सो गाइज, इसकी डिमांड है 24,50,000 एंड बाकी नेगोशिएबल है ना भैया? ओके, स्लाइटली नेगोशिएबल है। सो गाइज, नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं एलसी प्राडो। सो भैया, इसके बारे में कुछ बताइए। भैया, मॉडिफाइड है ना ये? न्यू शेप कन्वर्टेड है। अच्छा, कन्वर्टेड है, इसमें बम्पर लाइट्स हर चीज़ न्यू शेप की लगी हुई है। ओके, 2011 है, अक्टूबर नवंबर की है। ओके, 11 मॉडल है। हाँ जी। एंड भैया, चली कितनी है ये? ये चली हुई है 65,000, दिल्ली नंबर है। ओके, दिल्ली नंबर है एंड इसमें आपको नॉर्मल सनरूफ है? नॉर्मल सनरूफ है, बाकी कंपनी फिटेड। एंड भैया, जो हम अलॉय व्हील्स देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट है? ओके, आफ्टर मार्केट है ये वाले। एंड भैया, आप डिटेल्स पे आए, मॉडल 2011 अक्टूबर नवंबर की है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर की है। एंड डीजल है, पेट्रोल? डीजल। ओके, ये है डीजल वेरियंट एंड भैया, डिमांड है 29,50,000। ओके, सो गाइस, इसकी डिमांड है 29,50,000 एंड बाकी स्लाइटली नेगोशिएबल। ओके एंड भैया, इस पर फाइनेंस तो नहीं होगा ना? फाइनेंस बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो एक साल के लिए हो जाएगी। ओके, एंड ये तो हो जाएगी? हाँ, ये हो जाएगी, 4-5 साल के लिए हो जाएगी। हाँ, ये 5 साल के लिए हो जाएगी। ओके एंड ये वाली फॉर्च्यूनर नहीं होगी? नहीं, वो नहीं। ओके, सो गाइज, अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट कार। सो गाइज, नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज GL350 CDI। 2013 मॉडल है, ग्रैंड एडिशन है। ओके, फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। ओके, और ये डीजल वर्जन है। अलॉय व्हील्स देख रहे हैं, AMG वाले? अलॉय व्हील AMG के लगे। ओके, AMG वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे एंड बाकी DRL हेडलाइट वॉशर्स हो गए, वो तो सारे जो भी नॉर्मल जो फीचर्स है वो तो मिलेंगे। मिलेंगे। ओके, सो भैया, 2013 मॉडल है, कब का? 2013 मॉडल है, 4th-5th मंथ की है। ओके, 4th-5th मंथ की। एंड भैया, सिंगल ओनर है? हाँ, फर्स्ट ओनर है। ओके, फर्स्ट ओनर है एंड डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट है। एंड भैया, अगर डिमांड की बात कर जाए इसकी तो?
आस्किंग है 32 लाख, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है। ओके सो गाइज इसकी डिमांड है 32 लाख रुपीस, बाकी नेगोशिएबल है स्लाइटली। एंड भैया फाइनेंस हो जाएगी ये वाली? तो फाइनेंस हो जाएगी। ये कितनी होगी? ये 3 ईयर के लिए हो जाएगी। ओके मतलब 2-3 साल के लिए हो जाएगी। ओके सो गाइज नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज E200। लेटेस्ट मॉडल है ना? लेटेस्ट है 2018। ओके पेट्रोल में है। हाँ जी फर्स्ट ओनर है, 16,000 ड्राइविंग है। ओके और ब्रांड न्यू कंडीशन गाड़ी है। हाँ जी हाँ जी। एंड अगर फीचर्स की बात करी जाए तो मतलब सी क्लास से तो बड़ी स्क्रीन मिलती है इसमें। इसमें पूरी बड़ी स्क्रीन है सामने। हाँ और अंदर इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, मतलब 60 तरह की इसमें आपको एम्बियंट लाइटनिंग मिलती है। एम्बियंट लाइट है, ऑटो क्लाइमेट है, ग्लास टॉप है, पैनोरामिक मूनरूफ भी है शायद इसमें। मूनरूफ भी है। ओके सो बाकी मतलब सारे मिलते ही है, हमारे दोस्तों को पता ही होगा, हमारे भाइयों को। सो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, DRL मिल जाते हैं, हेडलाइट वॉशर मिल जाते हैं। एंड अगर इसकी डिटेल्स पे है तो भैया 2018 मॉडल हो गया एंड सिंगल ओनर फर्स्ट ओनर 16,000 चली है। एंड पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल है। ओके पेट्रोल वर्जन है। एंड भैया डिमांड की बात कर जाए तो आस्किंग है 48 लाख। ओके सो गाइस इसकी डिमांड है 48 लाख रुपीस एंड बाकी नेगोशिएबल है। एंड भैया फाइनेंस हो जाएगी ये भी? हाँ फाइनेंस हो जाएगी। ओके मतलब पाँच छः साल के मतलब मैक्सिमम हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ओके सो गाइस नेक्स्ट आ गई है जगुआर XJL। सो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। 2012 मॉडल है, चंडीगढ़ नंबर है। ओके आफ्टर मार्केट अलॉय डले हुए हैं। ओके जिसकी कॉस्ट होगी करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास। ओके 1.5 लाख रुपए। और ये फर्स्ट ओनर है, चंडीगढ़ नंबर है। ओके आस्किंग है 25 लाख रुपीज़। सो गाइज इसकी डिमांड है 25 लाख रुपीज एंड बाकी नेगोशिएबल है। एंड सिंगल ओनर है? हाँ सिंगल ओनर है। एंड 2011 मॉडल? 2012। ओके 2012 मॉडल है। एंड भैया डीजल? डीजल वर्जन है। ओके सो गाइज अब चलते हैं हम नेक्स्ट कार पे, BMW 520D है। 520D 2015 मॉडल। ओके 2015 मॉडल है। ओके सो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 63,000 रनिंग है। ओके और जीरो डेप इंश्योरेंस है। ओके पूरे साल के लिए अभी। ओके मतलब 2020 के लिए? 2021 अप्रैल तक का। ओके 2021 अप्रैल तक का। एंड भी और बताइए। और इसमें 520D है, बाकी जो भी BMW की सारी हाँ जी हाँ जी एसेसरीज आती है वो तो है ही अंदर। एंड गाइस जैसे शॉर्ट्स में आप देख रहे हो ये सारा इसका इंटीरियर एंड फीचर्स वगैरह आप सब देख सकते हो। सो भैया अगर इसकी डिटेल्स पे आए तो मॉडल 2015 एंड सिंगल ओनर है, फर्स्ट ओनर है। एंड भैया डीजल है? डीजल वर्जन है, 520D है। ओके एंड भैया कितने किलोमीटर चली है ये? चली है 63,000। ओके ये चली 63,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड? विद सर्विस रिकॉर्ड। ओके एंड भैया डिमांड की बात कर जाए? डिमांड है इसका 24 लाख आस्किंग है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएट है। ओके 24 लाख आस्किंग है एंड बाकी नेगोशिएबल है स्लाइटली। सो गाइस इस BMW 520D की डिटेल्स हो गई। एंड नेक्स्ट आ गई है बेंटले कॉन्टिनेंटल GT। सो भैया ये अभी सेल में नहीं है। अच्छा सेल पे नहीं है? हाँ जी। सो मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में हम वैसे दिखाएंगे? नेक्स्ट ब्लॉग में अभी 2-3 गाड़ी अभी आनी है। अच्छा। वो हम सेल पे दिखा देंगे और अभी मतलब इसमें कुछ थोड़ा मतलब काम काम वाम है भी है और कस्टमर से अभी हमारी बात चल रही है। अच्छा मतलब डील चल रही है? डील चल रही है। ओके सो गाइस हम इसको वैसे स्किप कर रहे हैं एंड नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज सी क्लास C200। सो भैया ये डीजल है पेट्रोल है? ये पेट्रोल है। ओके सो सिर्फ C200 है, डी नहीं है ये। सो भैया फिर डिटेल्स पे बताइए कुछ। 2015 मॉडल है, सेकेंड ओनर है, दिल्ली नंबर है। ओके दिल्ली नंबर। एंड गाइस इसमें आपको ई क्लास से छोटी स्क्रीन मिलेगी? ई क्लास से छोटी है। ओके एंड भैया अगर जैसे हम बात करें इसमें एम्बियंस लाइटिंग मिलती है हमें? इसमें एम्बियंस लाइट नहीं है, प्रोजेक्टर लाइट है। ओके और बड़ी सनरूफ है इसमें। ओके पैनोरामिक सनरूफ है। ओके लेदर्स की सीटें हैं। हाँ जी ऑटोमेटिक फ्रंट की सीटें हैं। एंड बाकी गाइज आप इसका इंटीरियर देख ही रहे हो ये सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे। सो गाइज इसमें आपको आफ्टर मार्केट ग्रिल मिलेगी AMG की। सो भैया SLS AMG वाली है ना? हाँ मतलब जो SLS AMG में ग्रिल आती है वही वही। ओके आफ्टर मार्केट इसमें लगी हुई है। सो भैया आप इसकी डिटेल्स पे आए तो मॉडल कौन सा ये? 2015 मॉडल है। ओके 2015 मॉडल है एंड चली कितनी है? 48,000। ओके 48,000 किलोमीटर। एंड भैया सिंगल ओनर है? सेकेंड ओनर। ओके सेकेंड ओनर है एंड पेट्रोल वेरिएंट है। एंड भैया डिमांड की बात करिए इसकी? इसकी डिमांड है 24 लाख। ओके सो गाइस इसकी डिमांड है 24 लाख रुपीज एंड बाकी नेगोशिएबल। बाकी नेगोशिएबल है। ओके एंड भैया ये भी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ ये भी फाइनेंस हो जाएगी। ओके सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं ऑडी A4। सो भैया डिटेल्स दीजिए इसके बारे में। ये 2014 मॉडल है। ओके ऑडी A4 है और एस लाइन है जो टॉप वेरियंट आता है। ओके एस लाइन है। हाँ जी इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा एंड अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, हेडलाइट वॉशर्स मिल जाएंगे एंड DRL है ना भैया? DRL है। ओके DRL मिल जाएंगे
एंड बाकी सीट्स तो सारी जो भी आती है, मतलब स्टॉक है गाड़ी। हाँ जी ओके। एंड गाइस फीचर आप जैसे देख ही रहे हैं आपके सामने है सारे। एंड भैया डिटेल्स पे आए तो 2014 मॉडल है। ओके किलोमीटर 75,000 के आसपास है रनिंग। एंड भैया पेट्रोल है डीजल? डीजल है। ओके डीजल वेरियंट है। एंड सिंगल ओनर फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर है। ओके एंड भैया इसकी डिमांड पे आए तो डिमांड आस्किंग है 14,50,000। ओके सो गाइज इसकी डिमांड है 14,50,000 एंड बाकी नेगोशिएबल है। सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी कार देखनी है। सो भैया फिर बताइए नेक्स्ट व्लॉग में आप कौन सी कार सिखाने वाले? नेक्स्ट व्लॉग में हमारे पास अभी दो बेंटले आने वाली है। ओके दो बेंटले? हाँ एक से दो दिन में आ जाएगी। ओके एक जीटी है, एक फ्लैंक्स पर है। ओके और बाकी और भी गाड़ियाँ बात चल रही है वो भी मतलब आ जाएगी, GLS GLE। ओके ओके ये सब अभी आनी है। एंड भैया एक काम करो, जो मतलब हमारे भाई कमेंट करेंगे ना हम कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आए, है ना? जरूर जरूर। ओके सो गाइज आज के लिए गुड बाय।